एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से अपना जन्माष्टमी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अभी फिलहाल हम लोग जो है मंदिर आए हैं, तो ये जन्माष्टमी के एक शाम पहले की क्लिप है। यहाँ मंदिर पे जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम रखा हुआ था, तो हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे कान्हा जी के दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन करिए मेरे साथ कान्हा जी के। तो कान्हा जी के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और उन्हें हम लोगों ने झूला भी झूला लिया। अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के पीछे साइड, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। तो यहाँ पे जो है दीदी जी का भजन और कीर्तन भी है, और उसके बाद जो है बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस भी हैं, और लास्ट में जो है दही हंडी का भी प्रोग्राम है। तो यहाँ अमेरिका में मोस्टली सारे त्यौहार ऐसे ही मंदिर पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। सारे इंडियंस मंदिर में इकट्ठा होते हैं और सब अपना त्यौहार जो है मनाते हैं। और लकीली आज हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन देखने के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड का भी ऑफिस जल्दी हो गया था ख़त्म। और हम लोग मोस्टली एक्साइटेड थे ईशान को दही हंडी दिखाने के लिए, क्योंकि उसने कभी भी दही हंडी ऐसे देखा नहीं है। उसे हम लोग बताते हैं कि ऐसे होता है, बट आज उसको हम लोगों को दिखाने का मौका मिला था सामने से, तो हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। Such a beautiful baby boy has been born to Nand Baba and Yashoda Maya. Jai Ho, Jai Ho. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है जन्माष्टमी और मैंने सुबह उठ के अपनी जो सुबह की पूजा है वो कर ली है, और यहाँ पे मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, क्योंकि आज जो है मेरा फास्ट है। और सुबह ही मैंने बना के रख लिया है फ्रेश घी पूजा के लिए। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ पूजा के लिए प्रसाद। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मावा वाले पेड़े। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में जो है घी लिया है, उसमें मैंने दूध डाला है। ये दूध जो है मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया था और ये अब ठंडा हो गया है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब जो है मिल्क पाउडर। इसको हम लोगों को दूध में अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये मिक्सर जो है गाढ़ा हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है शुगर, और थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर इलायची पाउडर, और इसको हम लोग फिर से कुक करेंगे। इसको हम लोग को कंटिन्यूस जो है चलाते हुए कुक करना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट जो है कुक हो गया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी, ताकि जो ये पैन में चिपका हुआ है ना, ये सब पैन को छोड़ दे। तो यहाँ पे मावा पेड़े के लिए जो मिक्सर है वो रेडी हो गया है। इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा रख दिया है ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स वाली खीर। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ले लिया है काजू बादाम, थोड़े से किशमिश, थोड़ा सा मखाना और डेसिकेटेड कोकोनट। सबको जो है मैं घी में अच्छे से फ्राई करूँगी।
तो ड्राई फ्रूट्स को जो है मैं यहाँ पे चॉपर में चॉप कर ले रही हूँ, आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, चॉपर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट चुके हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स थोड़े से खड़े हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही चाहिए खीर के लिए। इससे जो है खीर की कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने दूध को भी रख दिया था बॉईल होने के लिए, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट जो है उनको मिक्स कर देंगे, और दूध और ड्राई फ्रूट्स को हम लोगों को बहुत अच्छे से कुक करना है। दूध यहाँ पे जब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसमें मैंने डाल दिया है शुगर और इलायची पाउडर, और इसको चला के फिर से हम लोग कुक करेंगे। खीर जब तक कुक हो रही है, यहाँ पे पेड़े का जो मिक्सचर है वो भी वॉर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे अपने हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, और पेड़े जो है बना ले रही हूँ। तो सारे पेड़े बना लिए हैं मैंने, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दे रही हूँ, इससे पेड़े जो है और भी सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे पेड़ा जो है बन के रेडी हो गया है, और खीर भी जो है वो भी अच्छे से कुक हो गई है। तो मैंने यहाँ पे गैस जो है बंद कर दिया है, अब ये जैसे ठंडी होगी तो और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने दही जो है उसको छन्नी में करके रख दिया था, इससे सारा पानी जो है दही का निकल गया है, और हम लोगों की हंकट तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ श्रीखंड, और इस दही में मैंने ऐड कर लिया है थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो यहाँ पे हम लोगों का श्रीखंड भी बन के रेडी है। तो सारा प्रसाद जो है बना लिया है, और हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैंने दाल राइस भी बना लिया था लंच के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट है उनका नहीं है। और बस अब मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा पूजा के लिए डेकोरेशन कर लूँगी। तो मोस्टली जब कोई भी स्पेशल पूजा होती है तो मैं अपने मंदिर के बगल में जो है अलग से एक पूजा का स्थान जो है डेकोरेट करती हूँ, और फिर वहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। पूजा के लिए डेकोरेशन कर लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पे साइड में थोड़ा सा डेकोरेशन किया है अपने बेटे का फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। और बस यहाँ पे मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ, थोड़े से जो है फ्लावर्स ले ले रही हूँ पूजा के लिए। तो थोड़े से फ्लावर्स मेरे गार्डन में थे, थोड़ा सा मैंने हस्बैंड से जो है शॉप से मंगा लिया था। तो बस अभी टाइम हो गया है मेरे बेटे के स्कूल से आने का, उसको मैं पिक करने जाऊंगी बस स्टॉप तक। वो आएगा, उसे भी हम लोग तैयार करेंगे, कान्हा जी बनाऊंगी मैं उसे भी, उसके बाद जो है हम लोग मिलके पूजा करेंगे। छोटे छोटे से हाथों और पैरों में मैंने कलर लगा दिया है, तो कितना क्यूट लग रहा है। तो मेरे बेटे को जो है कान्हा बनना बहुत पसंद है, वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है कान्हा बनने के लिए, और मैं हर साल उसे कान्हा बनाती हूँ। तो यहाँ पे हो गए हैं कान्हा जी रेडी, आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। घर के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर भी इसका पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे।
तो मैं सारी पिक्चर्स जो है वीडियो के एंड में आप लोगों से शेयर कर दूंगी, और मैंने वैसे भी शॉर्ट्स में ऑलरेडी जो है शेयर किया है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके हम लोग आ गए हैं घर पे, और अभी हो गया है पूजा का टाइम। तो पूजा करने से पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ पंचामृत। तो पंचामृत में 5 चीज़ें डाली जाती हैं, दही, दूध, शहद और गंगा जल और घी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे पंचामृत बना लिया है, और अब हम लोग करेंगे पूजा। पूजा वगैरह कर लिया है हम लोगों ने। वैसे तो जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, कान्हा जी के जन्म के वक्त। बट सुबह जो है बच्चे का स्कूल है, उसे जल्दी उठना भी है, तो इतना रात तक उसे जगा के रखना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने जल्दी ही कर ली है पूजा अपनी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों से शेयर किया हम लोगों ने कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया अपनी। तो आई होप कि आज की आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।